दिवाली जिस दिन दीपमालाओं से प्रकाशमय हो जाती है संपूर्ण दुनिया। दिवाली जिसे जैन धर्मावलंबी भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त होने की खुशी में मनाते हैं। दिवाली हिंदू समुदाय भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाते हैं। दिवाली सिख धर्मावलंबी गुरु हरगोविंद जी के जेल से घर वापसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। दिवाली बौद्ध धर्मावलंबी सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। मकसद एक ही है, रोशनी कर, दिवाली मनाकर आपस में भाईचारा बढ़ाना, खुशियां मनाना। परंतु धीरे धीरे इस दीपावली के साथ जुड़ गया पटाखों का विनाशकारी खेल, जिसके कारण कुछ घंटों के अंदर न केवल अरबों रुपए की बर्बादी होती है बल्कि बड़ी बर्बादी होती है हमारे पर्यावरण की, इस सृष्टि में रहने वाले लाखों जीव जंतुओं की और मानव स्वास्थ्य की। इस पटाखों की आवाज से और इससे निकलने वाली गैस और धुएं से कुछ ही घंटों में लाखों की संख्या में पशु पक्षियों का चहचहाना बंद हो जाता है और वो काल के ग्रास बन जाते हैं। इस पटाखों से निकलने वाली गैस धुआं छोड़ जाती है अपने बर्बादी का वो निशान जिससे प्रभावित होता है हमारा पर्यावरण और स्वास्थ्य। आइए आज के दिन हम सब यह निर्णय लें, इस सृष्टि के करोड़ों जीव जंतुओं की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, अपने समाज के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और देश के राजस्व की रक्षा के लिए हम पटाखों का उपयोग नहीं करेंगे। हमारे इस निर्णय से न केवल हमारी बल्कि लाखों करोड़ों प्राणों की भी जिंदगी बन जाएगी, वह जिंदगी।